हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल और आज की वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर येलो रात की रानी के फ्लावर्स के साथ और आज का टॉपिक है लेंटाना प्लांट के ऊपर आज का वीडियो है तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स ये है मेरा लेंटाना का पौधा जिसके बारे में आज का वीडियो है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ तो फ्रेंड्स ये एक बहुत ही शानदार गर्मियों का पौधा होता और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि बिल्कुल गार्डनिंग के शुरुआती दौर में हैं जो कि बिगिनर्स हैं गार्डनिंग में उनके लिए ये एक परफेक्ट ऑप्शन रहता है क्योंकि इसमें बहुत ही लेस केयर में आपको ये पूरी गर्मी आप देख ही सकते हो मेरे इस प्लांट में हर टिप पर कितने अच्छे से फ्लारिंग हो रही है और पूरा पौधा जो है फूलों से भरा हुआ है तो ये प्लांट ज़्यादा केयर नहीं मांगता है और बहुत ही कम केयर में आपको पूरी गर्मी बंचेज में ब्लूम करके देता रहता है और इस प्लांट की सॉइल भी कोई रिक्वायरमेंट कोई खास नहीं होती है और इसे इसकी सॉयल बनाना है तो आपको एकदम सैंडी सॉइल इसको पसंद होती है क्योंकि आ, ये जो प्लांट है ये बहुत ही हार्डी नेचर का होता है और बहुत ही ड्रॉट टॉलरेंट होता है मतलब ज़्यादा अगर पानी इसको नहीं मिलता है या कम पानी है, तब भी प्लांट आपका बच बच जाता है ख़राब नहीं होता मरता नहीं है अनलाइक अदर प्लांट जिसमें थोड़ा सा भी आनाकानी अगर हो जाती है पानी देने में तो प्लांट्स जो हैं गर्मी में बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है और ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट भी होता है तो इसकी सॉयल जो आपको सैंडी बनानी है और इसके सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करूं तो ये जितनी अच्छी आप इस प्लांट को धूप दे सकते हो मतलब फुल सनलाइट में चलने वाला प्लांट होता है जितनी अच्छी धूप मिलेगी इस पौधे को उतने अच्छे से ये ग्रो करता रहेगा उतने अच्छे से इसमें फ्लारिंग होती रहेगी कम से कम आप इसको जो है छः से सात घंटे की धूप देने की कोशिश करें तो आपका पौधा जो है उसकी फोलियज भी बहुत अच्छी बनी रहेगी और इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेज भी बढ़ती रहेंगी वॉटरिंग की बात करें फ्रेंड तो जो जमीन में लगे हुए पौधे होते हैं अब जैसे ये का, काफ़ी जगह जंगलों वगलों में भी निकल आता है तो वहाँ पर जो है आ, पानी वानी तो इन्हें मिलता नहीं है फिर भी जो है बोगन बिला वगैरह भी अच्छे से ग्रो करते रहते हैं बट ज़मीन की जो ताकत होती है उसकी तो बात ही अलग होती है उसे तो हम पॉट में लगे हुए पौधों से कंपेयर नहीं कर सकते तो जब भी हम पॉट में प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे टेरेस वगैरह पे गार्डनिंग कर रहे हैं जो लोग तो उन्हें वाटरिंग का थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अगर हम टाइमली प्लांट को वाटरिंग नहीं करेंगे तो जो फ्लावर्स वग़ैरह होते हैं उनकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है वो स्पैन जल्दी हो जाते हैं और जो इसकी फोलियज होती है जो पत्ते वगैरह होते हैं वो जल्दी से मुरझाए से हो जाते हैं तो ये रीज़न होता है जब आपको जो है प्लांट्स जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनकी थोड़ी सी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है वॉटरिंग आपको तभी करनी है जब आपको लगे कि एक से डेढ़ इंच जो है आपकी फिंगर जा रही है सॉइल में और आपको लगे कि सूखा है सॉइल तो आप तभी वाटरिंग करें फर्टिलाइज़र की बात करें फ्रेंड तो इस प्लांट को ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और इसे फिर भी आप क्योंकि पॉट में जैसे मैंने पहले भी बोला पॉटेड प्लांट्स को थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है तो पॉट में लगा हुआ है तो आपको ज़मीन में लगाओ तो आप नहीं भी करोगे फर्टिलाइज़ नहीं करोगे तब भी चल जाएगा बट अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो आप मंथ में एक बार कोई भी फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक जैसे वर्मी कंपोस्ट है जैसे आप देख सकते हो मैंने इसको एक बड़े साइज के पॉट में ग्रो कर रही हूँ तो आप कोई भी जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे वर्मी कंपोस्ट है काउडंग मेन्योर है कम से कम 100 से 150 ग्राम आप जो है पॉट में ऐड कर दें अगर आपका पॉट का साइज छोटा है तो आप 100 ग्राम रखें अगर आपका पॉट का साइज़ बड़ा है तो कम से कम 150 ग्राम जो है अच्छे से डिकम्पोज हुई कोई भी ऑर्गेनिक मेन्योर दे सकते हैं साथ ही साथ जो लोग वर्मी जो लोग पोटाश जिनके पास अवेलेबल है पोटाश दे सकते हैं पोटाश गर्मी के मोस्टली पौधों के अच्छी फ्लारिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है तो पोटाश और यूरिया मिक्स करके भी आप दे सकते हैं नहीं तो आप जो है बनाना पील है या फिर आप मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी प्लांट को दे सकते हैं उससे भी आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने में मिलेंगे अब बात कर लेते हैं कि जो है प्लांट को जैसे प्लांट लैगी ना हो क्योंकि ये जो लेंटाना के प्लांट्स हैं ये बहुत जल्दी लैगी हो जाते हैं तो आप जब पॉट में लगाते हैं तो एक सुंदर सा लुक पौधे का बना रहे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पिंचिंग करते चले जब भी जैसे कोई आपका जो बंच है फ्लावर्स जहाँ पे ब्लूम कर चुके हैं उन ब्रांचेस को आप या उन जो टिप्स हैं जहाँ पे फ्लारिंग हो चुकी है उन्हें कट करके सीजर से रिमूव कर दें तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और आपके प्लांट में अच्छे से शेप भी बना रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लारिंग भी होती रहेगी इस प्लान की फ्रेंड्स अगर प्रोपोगेशन की बात करें तो ये पौधा बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है बरसात के मौसम में अगर आप सॉफ्ट वुड कटिंग भी लगाते हो तो बहुत ही आसानी से इसमें रूटिंग हो जाती है और जो लोग इस टाइम भी लगाना चाहें तो सीड्स अगर उन्हें मिल पाए तो सीड्स कलेक्ट करके भी आप नए पौधे बना सकते हैं इस पौधे में बहुत सारे सीड्स बनते हैं और इनफैक्ट जो है जो लोग नर्सरी नहीं जा सकते हैं, और कहीं भी आस उनके जैसे जंगली तरीके से निकल आते हैं तो उन पौधों के भी अगर आप सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं तो काफी अच्छे आपको कलर ऑप्शन भी इसमें मिल जाएंगे तो पिंक है ऑरेंज है रेड है ये सारे कलर्स आपको जो है लेंटाना में मिल जाते हैं जो जंगली तौर पे निकले रहते हैं तो उनको भी आप सीड्स कलेक्ट करके और फ्री के पौधे बना सकते हैं बस आपको शेप देते रहना होगा और जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इस पौधे को दिया हुआ है और साथ ही साथ आप मिक्स मैच करके भी लगा सकते हो जैसे मैंने ये येलो वाला लगा रखा है आप देख सकते हो और यहाँ पर मैंने ये वेरीगेटेड लीव्स वाला जो है ये भी लास्ट ईयर बाय किया था ये दोनों ही लास्ट ईयर बाय किए थे तो ये भी मैंने साइड में लगा दिया था तो ये ऑरेंज कलर का है तो ये मैंने ऐसे वेरीगेटेड वाला और ये दोनों जो है मिक्स मैच करके लगा दिए तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो तो उसमें आपके एक ही पॉट में दो कलर के फ्लावर्स ब्लूम करने लगेंगे और अगर पैस के अटैक की बात करें फ्रेंड तो इस प्लान में ज़्यादा कोई पैस का अटैक देखने में नहीं मिलता है बट कभी कभी क्या होता है कि मिलीबक्स आजकल गर्मियों में बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है तो मिलीबक्स का अटैक हो सकता है तो आप नीम ऑयल और लिक्विड सोप का स्प्रे कर सकते हैं पंद्रह बीस दिन के गैप पर एक बार तो आपका जो प्लांट रहेगा वो प्रोटेक्टेड रहेगा पेस्ट के अटैक से तो फ्रेंड्स आई होप ये छोटा सा वीडियो लैंडाना की केयर के ऊपर आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगाओ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर तब तक के लिए बाय टेक केयर ऑफ यू एंड यू प्लान्स हैप्पी गार्डनिंग